सब बहुत चीजें क्लियर होती जा रही है। फंडा यह है कि टेक्नोलॉजीज नहीं चलेगी, अपराध की हो पनिशमेंट जाना चाहिए, अदरवाइज क्रिमिनल लॉ का कोई मतलब नहीं है जी। तो इसमें सर मैं दो लॉ का डिस्टिंग्विश चाह रहा हूं मैं। दो नहीं चार का करेंगे पर आप पहले जजमेंट की कॉपी हमारे सेक्शन 200 का तो उपयोगिता ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। सेक्शन 200 उनका पुलिस वाला रिपोर्ट दे दी है मेरे ऊपर कि मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है, अब मैं उसको नहीं चैलेंज करूंगा तो मैं तो वैसे ही कन्विक्ट कर देंगे। माय लॉर्ड मैं कहने से देखेंगे देखेंगे 156 पहले तो पहले हमको सर्टिफिकेट कराओ ना। क्या ये भाई बोलो फॉर पोस्टमेंट ऑफ एफ आई आर मेलोड एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग मेलोड लोड दी कंप्लेनेंट इज सन इन लॉ ऑफ दी प्रेजेंट पिटिशनर मेलोड। द प्रेजेंट पिटिशनर वेंट एट कटघोरा कोर्ट में फैमिली कोर्ट में अलॉन्ग विथ हर डॉटर मेलोड आशीर्वाद टू अटेंड इन दी कोर्ट प्रोसीडिंग। इट ही अलेज्ड मेलोड दैट आफ्टर सम टाइम दी वॉज फॉर नेचुरल गर्ल दी प्रेजेंट पिटिशनर हैज सस्टेन दी कमिटेड मारपीट विद दी रेस्पोंडेंट नंबर 6 दिस इज मतलब कंप्लेनेंट मेलोड। ये कौन है? नारायण श्रीवास जी, पवन श्रीवास, पवन श्रीवास जो है हम जो है उनके फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं। अच्छा। और हम अपने बेटे के साथ कटघोरा पारिवारिक फैमिली कोर्ट गए थे जहाँ पे सेक्शन 9 का केस पेंडिंग है। इनका ये एलिगेशन है कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग होने के बाद वो यूरिन के लिए गए फैमिली कोर्ट के बगल में जो बना हुआ है वहां पे हमने मारपीट किया। द चाइल्ड कोर्ट हैज रजिस्टर्ड द ऑफेंस अंडर 156(3). हाँ 156। हाँ तो 153 में क्या क्या एविडेंस हुआ है बताइए जरा। हाँ उसमें सर उसमें मैं 150 उसमें जो पुलिस ने जो किया हुआ है और इसमें है कि इंटायर जो कंप्लेन दो विटनेस आ गए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद दो विटनेस मिल गए कि हाँ वो हम कुछ काम से कोर्ट गए हुए थे जबकि इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है कंप्लेन का। हाँ कंप्लेनेंट पेज नंबर 27। बताइए। और जब फिर इसके पहले ये है कि उन्होंने जो कंप्लेन किया था थाने में उन्होंने वो विटनेस को तो पहले पढ़ने दो क्या बोलते हैं आपकी विटनेसेस इनकी है। ये पेज नंबर 27 में जिस रेस्पोंडेंट नंबर 6 का है और 28 और 29 में उनका है विटनेसेस का। क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि मैं अपने साथी भरत श्रीवास के साथ पेज नंबर 28 में लोड दिस इज 27 किसका है अशोक कुमार। नहीं पवन श्रीवास को नहीं ये पवन श्रीवास रेस्पोंडेंट नंबर 6 है। नाइन। और अशोक कुमार जसवाल कौन है? अशोक कुमार जसवाल में लोड ये विटनेस है। इनका कहना है कि साथ में श्रीवास के साथ व्यवहार न्यायालय कटघोरा काम से आया था कि न्यायालय का काम निपटा कर वापस जाते समय दोनों न्यायालय मनेश्वर को बाहर निकले तो रात की 4:30 बजे न्यायालय परिसर के बाहर नर्सरी की ओर दो व्यक्ति आपस में विवाद हो रहे थे कि हल्ला सुनकर पास जाकर देखे तो दीपिका निवासी पवन श्रीवास एवं उसका ससुर नारायण श्रीवास माँ बहन की गंदी गाली देकर हाथ झापड़ से मार रहा था। तो आज इसको हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे मिस्टर? व्हाई डोंट यू गो फॉर एविडेंस सर? इसमें दो तीन चीज है। वेदर दी देयर टू सेट ऑफ कंप्लेन मेलोड दी फाइल कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC एंड अनदर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC एंड आई हैव वांट टू शो मेलोड दी ऑर्डर शीट ऑफ दी लर्नेड ट्रायल कोर्ट। Yeah. Whether the mellowed, the magistrate can initiate a proceeding under section 200 or direct initiate a proceeding under section 156(3) of the CRPC. आपने ground में क्या चैलेंज किया? What is your ground taken in this petition? Mellowed. What is the ground you have taken in this petition? Of filing of charge. And what ground you have taken? Please tell us. Mellowed. You are only confined to the factual matters. पावर टू मजिस्ट्रेट टू कम्पेल द पुलिस टू रजिस्टर FIR एंड फाइल द फाइनल रिपोर्ट बिफोर हिम द मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंट। मिस्टर अगर उसने अपना ये एविडेंस ट्रायल कोर्ट के सामने हुआ है कि नहीं हुआ है
नहीं हुआ है। वो दो एक सौ छप्पन कुछ यस यस प्रारंभिक हाँ प्रारंभिक यस एविडेंस के बाद ही रजिस्टर करो एफ आई आर नो मतलब नहीं हुआ है सर। यस मैडम रिपोर्ट मैंने कॉल किया हाँ जी अब ये चीजें प्रॉपर आप एक सौ छप्पन का पूरा रिकॉर्ड की कॉपी पेश करो ना ये है सर पेज नंबर 47। अरे वो तो ऑर्डर शीट किया है स्टेटमेंट की कॉपी स्टेटमेंट वगैरह हुआ है कि नहीं वो तो नहीं हुआ है मैं आपको डायरेक्ट बता दूं एफिडेविट पे फाइल करके बताइए मैं डायरेक्ट बताऊं पेज नंबर 47 देख लीजिए 47 यस बताइए इसमें लिखा है कि 25/4/2018 को परिवादी उपस्थित अंतर्गत धारा 156(3) सूची दस्तावेज पेश किया संबंधित थाना को संबंध में प्रतिवेदन मंगाया जाए डायरेक्ट प्रतिवेदन मंगा लिया तो क्या कर नहीं सकता नहीं कर सकता क्या क्यों नहीं कर सकता भाई सर इसमें जो जजमेंट है क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या उसमें है कि दिस मजिस्ट्रेट विल अप्लाई दिस माइंड माय लॉर्ड अरे अप्लाई दैट माइंड को सुनो ना हाँ। तो अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई कर दिया है हाँ। कि अगर सपोर्टेड बाय एफिडेविट है तो भी कर सकता है एफिडेविट की तरफ अभी लेटेस्ट जजमेंट और आया सुप्रीम कोर्ट का उसको भी जरा बताइए तो क्या लिखा है सर मैं उसमें डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ दोनों जजमेंट लेके आओ हमको भी दो कॉपी आप अपने भी पढ़ोगे ऐसे थोड़ी चलेगा जी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एफिडेविट है सफिशियंट है उसके हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं हाँ, लगाना है उसमें लेकिन एक्सेप्शन कुछ है कुछ तो एक्सेप्शन क्या मालूम आप जजमेंट लाए हो कि दोनों लेटेस्ट जजमेंट वाला इसमें सर रामदेव फूड प्रोडक्शन अरे वो तो पुराना हो गया भाई अरे बहुत पुराना हो गया जी जी अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया ना थोड़ा दो चार महीना पहले का पढ़ो ना क्रिमिनल जी उसको पढ़ के देखो ना ऐसे थोड़ी ना सब बहुत चीजें क्लियर होती जा रही है फंडा ये है कि टेक्नोलिटीज नहीं चलेगी अपराध की हो पनिशमेंट जाना चाहिए अदरवाइज क्रिमिनल हाँ। लॉ का कोई मतलब नहीं जी तो इसमें सर मैं दो लॉ का डिस्टिंग्विश चाह रहा हूं मैं दो नहीं चार का करेंगे पर आप पहले जजमेंट की कॉपी हमारे सेक्शन 200 का तो उपयोगिता ही नहीं रहेगी ठीक है ना सेक्शन 200 जा रहा है मना है क्या 6 जा रहा है मना है क्या मना है क्या तो सर डायरेक्ट प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि जो नहीं मना है तो आप पहले तो जजमेंट पहले दिखा दो पूरा पढ़ के आइए कम प्रिपेयर लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर वुड सबमिट दैट द ट्रायल कोर्ट हैज नॉट फॉलोड द प्रोसीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी एंड ही वुड सबमिट दैट द व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बस लिख देना प्रे फॉर टाइम टू मेक सबमिशन बाकी अपन सर इसमें मैं फ्रेश मैटर कर दीजिए मैं ऑर्डर शीट भी पेश कर दूंगा हाँ जो करने करो फ्रेश मैटर में लगा दो 5 जनवरी को इसमें एक ऑब्जेक्शन ये है मैलट बाय नेम ही हैज मेड ए पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 7 and 8 मजिस्ट्रेट को नो वो पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर वो उनका पुलिस वाले रिपोर्ट दे दी है मेरे ऊपर कि मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है अब मैं उसको नहीं चैलेंज करूंगा तुम्हें तो वैसे ही कन्विक्ट कर देंगे मैं लॉर्ड में कहने से देखेंगे देखेंगे हाँ 156 पहले तो पहले हमको सर्टिफिकेट कराओ ना जी सर दिसंबर में कर